अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब दोस्त ठीक ठाक हैं? ले बोजी, हम जा रहे हैं मदरसा मंडी, मैं और हसन भाई हम जा रहे हैं मदरसा। और आज जुम्मा है, अभी 12 बज गए हैं। हफ्ते को लगती है मंडी, टाइम जी दिखा देते हैं। 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं भाई, 15 मिनट हो गए हैं 12 बजने में, 15 मिनट रह गए हैं। क्लॉक के ऊपर भी टाइम हो गया, 10 मिनट रह गए हैं 12 बजने में। और मदरसा मंडी देखते हैं हमें क्या चीज़ मिलती है। वीडियो लास्ट देखनी, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक दोस्तों ने शेयर करना है आपने। अभी ये बावल नगर से ना, अभी बावल नगर पहुँचे हम, ये अड्डा इधर बावल नगर का ना, आगे रोड जाता है फोटाबास वाली साइड पे। तो अब यहाँ से हमें जाना चक मदरसा। तकरीबन हमें यहाँ से कोई 20-25 मिनट हमें मज़ीद लगेंगे और चक मदरसा उतर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हम नाश्ता वगैरह करेंगे। वहाँ से फिर 2-3 मिनट का रास्ता है, वो मंडी के अंदर ले जाएगा। वैसे डायरेक्ट भी जा सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम तो आते जाते रहते हैं ना, तो पता है कहाँ पर रुकना है कहाँ पर नहीं रुकना। जो बंदा फर्स्ट टाइम आता है ना, उसको बड़ा मसला हो जाता है। तो अभी इस टाइम ये बावल नगर उतरे हैं हम, तो ये अड्डा है जी बावल नगर का। अब यहाँ पे फ्रेश व्रेश हो गए, फिर हम चल जाएंगे आगे चक मदरसा वाली साइड पे। तकरीबन यहाँ से 20 मिनट और लगेंगे, चक मदरसा आ जाएगा। उसके बाद जी मंडी वाली साइड पे आगे, वहाँ से 2-3 मिनट का रास्ता है मंडी का ना। मंडी पे लगती थी राइट साइड पे, अब लेफ्ट पे लगना शुरू हो गई है। खैर देखते हैं क्या सूरत हाल है मंडी की। इन्होंने यहाँ पर रास्ता खुद बनाया, ताकि ना कोई भागे भूगे ना यहाँ से जानवर ले कर, बड़ा कुछ हो जाता है। इसका रास्ता वैसे वो है, अभी धुंध है ना थोड़ी सी, तो सही तरह नज़र नहीं आ रहा। खैर अभी कोई भी जानवर नहीं आया। एक गाड़ी आई है, पर उसमें छोटा माल होता है, काटू। ये मंडी की पुरानी जगह है, इन्होंने यहाँ पे सेटिंग सारी चेंज कर दी है। ये पार्किंग है यहाँ पे, यहाँ पे सारी पार्किंग होगी इस साइड पे। वहाँ से भी रास्ता आउट निकलने का है, और इधर से भी है, लेकिन वो माल जो आ रहा है ना, वो उस साइड से आ रहा है, दूसरी साइड से। आपने वीडियो लास्ट तक देखनी, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों ने शेयर करना है। ये चेक करें जी, ये सूरत हाल है सारी। अभी यहाँ पे स्टॉल वगैरह लग रहे हैं, ये टेंट शेंट लग गए हैं इधर। बाकी जब जैसे ही माल आता है तो फिर आपको मैं दिखाता हूँ। ये भजन अभी ना काटू माल उतर रहा है, यहाँ पे भी काटू माल आता है। अभी सिर्फ ये दो गाड़ियाँ वो भी आई हैं, वहाँ पे कुछ बकरियाँ वो भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन वो अभी माल आ रहा है। ये चेक करें, यहाँ पे ये वाला भी काटू माल, जैसे माइल और में मंडी माल आता ना काटू, यहाँ पे भी आता है, लेकिन यहाँ पे रेट थोड़ा ज़्यादा है। ये चेक करें, ये बकरा, ये खसी, ये चेक करें, मक्खी चीने बकरे, और ये खसी बकरा है मक्खी चीना। अभी अच्छा माल आएगा थोड़ी देर में ना, अभी यहाँ पे सारा माल भर जाना है प्लाट से, ये सारा प्लाट भर जाना है माल से ना। ये चेक करें, ये वाला माल भी है, लेकिन इसमें गबन बकरियाँ हैं, अभी बड़े बकरे दूसरे आएंगे। अभी सारी मंडी खाली है, अभी आहिस्ता आहिस्ता आएगी। ये गबन बकरियाँ पन के पैसे बहुत ज़्यादा मांगे जा रहे हैं, 1, 10, 90, 95, ये इनके रेट हैं इन बकरियों के। मक्खी चीनी बकरियाँ ये वाली, इनको छोड़ो भाई, अभी ना माल आने दे, तो फिर सारी वीडियो में आपको दिखाता हूँ जानवर, बड़े बड़े खूबसूरत जानवर। ये सारा छुरी वाला माल है, ये रखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये काटू माल में खड़ा है, तो इन्होंने ग्रोथ नहीं करनी इतनी। जो बड़े जानवर होंगे ना, वो खुद बताएँगे भाई हमने ग्रोथ करनी है, वो आपको देख के नज़र आ जाएगा। तब तक आपको ये बकरे दिखाता हूँ, ये सारी बकरियाँ। ये वाली साइड ना, ये मदरसा मंडी की ये वाली साइड काटू है, ये चेक करो, ये बकरियाँ, ये सारी मक्खी चीनी बकरियाँ, इसमें गबन भी हैं, खाली भी हैं, वो सारे, ये चेक करो। बड़े जानवर आते हैं ना, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। ये चेक करें जी, माल आना स्टार्ट हो गया। ये चेक करें, बच्चे हैं सारे, सारे खीरे हैं ये बच्चे, मक्खी जी ने, इनसे पैसे पूछ के बताता हूँ मैं। भजन कितने कितने पैसे मांग रहे हैं इन बच्चों के? 40-40 हज़ार उठे के हिसाब से, 40-40 हज़ार तो प्यार मोहब्बत की हो जाएगी। 30 हज़ार के हिसाब में दे दोगे? किन्ने दाम, किन्ने दोगे? 36 हज़ार 36 हज़ार तो कट नहीं होने, नहीं 40 हज़ार रुपया। कितने कितने जानवर लेके आए हो? जानवर 15 बकरे हैं जी, मक्खी चीने, 40-40 हज़ार रुपया मांग रहे हैं, तो 36 हज़ार से कम नहीं देना, जो सा मर्ज़ी आप ले लें। तकरीबन ये सात आठ माह के जानवर हैं, इसमें दो बड़े हैं, बाकी यानी कि 6-6, 7-7 महीने के बच्चे हैं सारे मक्खी जी ने।
40,000 पुठे के हिसाब से ये पैसे मांग रहे हैं बच्चों के चक्कर में। 40,000 पुठा ये चक्कर जी। बच्चा ये बच्चा बड़ा खूबसूरत है, ये वाइट तल का बच्चा है, ये बच्चा ही बड़ा खूबसूरत है। इसका कंबल चेक करें, नकोड़ा शकोड़ा देखें। ये तकरीबन आपको ना अगर किसी ने लेना हो ये 35-35, 34-35 का बन जाएगा। 40 वो कह रहे हैं लेकिन ये कमी पेशी हो जाएगी। पुट्ठे का उन्होंने रेट बताया, बाकी जानवर और भी आते हैं ना, और भी दिखाता हूँ। अभी माल अभी आ नहीं रहा, अब मैं बहुत सुबह सुबह आ गया, स्टार्ट कर दिया ना वीडियो। अभी टाइम अभी तेरे एक बकरे का रेट लगाया था लेकिन ना सौदा नहीं बना हमारा। तकरीबन ना कोई 9 बजे तक ये सारी जगह भर जाएगी तो फिर स्टार्ट करेंगे। बाकी इन बच्चों के पैसे लगाए थे हमने, इन 3 बच्चों को ना 70,000 रुपया लगाया था। ये वाला एक ये है और 2 ये हैं, 70 लगाया था इनका ना तीनों का, लेकिन वो जोड़ी का 90 मांग रहा है। ये एक ये बकरा और एक वो वाला बकरा, इसके पैसे पूछते हैं कितने का भाई। कितने पैसे हैं बकरे थे? 40,000 मांग रहे हैं भाई इनके फी। बकरा यानी कि इतनी एज का बकरा 40 मांगते हैं लेकिन ना 32-34 में दे देते हैं। छोटे बच्चे हैं ये चेक करो, ये सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, दो ढाई ढाई मांग के। ये वाला सारे मक्खी जिन्हें बच्चे हैं ये चेक कर, ये खूबसूरत जानवर है सारे। ये वाला बच्चा बोल कमाल है। और ये बच्चा कितने का? ए वाला बच्चा सामने। हाँ 50,000। छोटे बच्चे किन्ने देने? जी छाए हुए पैसे। तो वो पुठे का की हिसाब है? वो पुठा की मांग लो फिर 35,000 पुठा। ओ वाला 35,000 पुठा जी इन छोटे बच्चों का। ये वाले बकरे सारे, ये बच्चा चेक करें, ये वाला 35,000 पुठा इधर से। माशाल्लाह ये वाला खूबसूरत जानवर है। ये सारे नारे हैं भाई मक्खी जी ने, 35,000 पुठा है। और मुख्तलिफ रेट हैं सबके लेकिन उनका 35,000 पुठा बता रहे हैं। ये चेक करें, ये बकरी हैं जी गब्बन। ये चेक करो जी, वो जी कितने पैसे मांग रहे हैं इस बकरे के? कितने? 1.5 लाख। डेढ़ मुँह से क्या? 6 दांत 8 दांत? 6 दांत 6 दांत जी, 6 दांत है। 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं इस बकरे का। बकरियां लगा के इसलिए बिकने के लिए है वो वाला हुसन नहीं। ये बकरियां जी माल आना शुरू हो गया। ये देखें वीडियो तकरीबन ना 30 से 35 मिनट की हो जाएगी, आपने सारी देखनी है। ये भाई से बकरियों के पैसे पूछते हैं भाई। ये गब्बन है खाली ये बकरियाँ? ये दो गब्बन है। कितने पैसे हैं इन बकरियों के? पैसे उनको बताइए। इससे कितने हैं? ये लिए आपने? जी मैंने शेयर कर लिए। अच्छा ये आपकी है, कितने पैसे हैं इसकी? 30,000। 30,000 खाली है? जी खाली है। खाली है आपकी एक ही बकरी है बस? नहीं ये दोनों गब्बन है जी, ये वाली बकरियाँ। भाई कितने पैसे हैं बकरी के? 60,000 गब्बन है। किन्ने किन्ने महीने गब्बन ने? 4-4। ते ओ अगलियां दो किन्ने दियां? ओ परली फंडर आ, ओ फंडर एदे मगर दो बच्चे। ते ओ ली फंडर है? के ओ ली फंडर है? हां ओ ओदे किन्ने पैसे ओदे? ओदा 55,000 दा। 55,000 दा। ते आली दा? एदा 85,000। 85,000 मगर दो बच्चे हो? दो बच्चे हैं जी। 85 मांग रहे हैं ये दोनों। ये नर मादी है, इनके नीचे यहां पे भी माल आने दे। वो भी आपको जानवर दिखाता हूं जब तक जाके जी। मजर भाई 6 दांत के? 8 दांत? 8 दांत है। कितने पैसे हैं? 1.5 लाख मांग रहे हैं। 1.5 लाख रुपया? मैंने बिडर रखा हुआ था, आप इन्हें सेल करना। अच्छा तो कितने पैसे लगा दिए आपने? भाई हमने तो इसका 80 लगाया है। 80,000 लगा दिया? 20 लगा हुआ है। अच्छा 1-20 लगा हुआ है। चलो जी कोई मसला। बड़ा स्लो आ रहा है मंडी में। इसका मांग रहे हैं 1.5, उसका मांग रहे हैं 90,000। इसका 90 है। दांतों में क्या है? ये मुंह से 6 दांत है, 90 मांग रहे हैं। इसका 1.5 है, इसका 75 है, उसका 75,000। ये 2 दांत है, ये मुंह से क्या है?
ये भी दो दांत है, ये भी दो दांत है, ये चेक कर लेंगे। मदरसा की मंडी हफ्ते को लगती है, हम दरअसल लेने हैं बड़े बकरे, तो उधर तो दो बकरों का रेट लगाया है, वो मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई अभी, अभी बनाऊँगा। ये चेक करें जी, इन बकरों के पैसे पूछते हैं। ये बकरा भी बड़ा है, ये मक्खी जीना, बस इसकी हाइट है, लेकिन वो बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसका कम है। ये चेक करें, ये भी छीन है। और वो जी क्या हाल है, ठीक हो? माल नहीं लिया रहे, लिया जानवर कि नहीं लिया अभी अपना? ये किन्ने पैसे ने? एक दस मुँह की है, दो बीस डिमांड है इसकी। ये भी मक्खी चीना जी, चेक करें माशाल्लाह इसकी हाइट देखें, बड़ा बकरा है। 220 इसकी डिमांड है, खूबसूरत जानवर है। ठीक है भाजी, और सुनाओ ठीक हो? अभी माल लेके आए हैं, अभी इन्होंने सेटिंग शेटिंग करनी है, ये चेक करें, सेट कर रहे हैं, बड़ा बकरा है ये भी हाइट में भी। ये चेक, 44 इसकी हाइट है और 60 लंबा है, खूबसूरत जानवर है जी माशाल्लाह। ये चेक करें, अभी ये सेट कर लेंगे ना, फिर दोबारा आता हूँ इधर इनके पास। अभी माल उतार रहे हैं ये, उधर से भी आपको दिखाता हूँ माल। 44-60 है बकरा। ये इस साइड पे ना बकरियाँ होती हैं, इनके भी वीडियो बनाऊँगा मैं। ये चेक करें, ये भी चीना है, ये 60 लंबा, नहीं ये भी 60 लंबा है, वो भी 60 लंबा है, हर एक 20 इसकी डिमांड है भाई। बाकी और भी दिखाता हूँ आपको, अभी ना माल बड़ा स्लो आ रहा है, क्योंकि काम शाम तो है नहीं, हालात आपको पता ही हैं कैसे हैं। जनाब की हाल है, ठीक ठाक हो? ये चेक करो, ये भी सारा इनका माल है, बच्चों के काफी। ये वाला बच्चा, अब ये बच्चा कितने का, कैसी तबीयत, ठीक हो? ठीक, छोटे दे व्यू दे भी दसो, इना 45 दा फाइनल है, ए बच्चे दा, ए बच्चे दा 45 फाइनल है जी इस बच्चे का, इस बच्चे का। और इसका, इसका फाइनल 70,000 फाइनल है इसका। और कौन से अपने जानवर, ये चार बच्चे, ये कितने कितने की हैं? ये 32-32,000, ये 32-32,000 डिमांड है। कितने कितने में मिल जाएंगे ये आपको? 30-30,000, 30-30 के मिल जाएंगे जी, बस इसका 45 फाइनल है इस बच्चे का। ये वजन क्वालिटी के सारे पैसे हैं, ये भी सारा इनका माल है। ये किस तरह पुट्ठा है? ये आपको मिल जाएंगे 28,000, 28,000 पुट्ठा है, पर ये कमी पेशी हो जाएंगे। वो भी आगे वाले की थी, वो भी हमारा, वो किस हिसाब से है? ये चेक करें, 40,000 पुट्ठा है जी इस बकरे का। ये बच्चे इनमें जो सा मर्जी लें, 40,000 पुट्ठा मांग रहे हैं, लेकिन जो भी आपको पसंद आएगा, अलग से लेना है अलग से भी ले लेगा, रेट शेट बाद में आप कर लीजिएगा। ये माल है, ये भी आपने देख लिया है, क्वालिटी के हिसाब से पैसे हैं सारे। ये बच्चा बड़ा खूबसूरत है, इसका वो कह रहे हैं फाइनल 70 है, इसका फाइनल 45 है, उसका 120 है। बाकी जैसे ही माल हो रहा था ना, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। ये बच्चे चार बकरे निकाले थे, 1, 2, 3, 4, 5, इन पांचों का। ये चेक करें बच्चे माशाल्लाह, कंबल चेक करें इनका, नीचे से धूप शूप निकल गई है। ये चेक करें, कलर देखें कितना खूबसूरत है। इन पांचों का 2,00,000 रुपये लगाया, इन पांच बकरों का 2,00,000 लगाया, लेकिन अभी नहीं सौदा हुआ। देखो अगर होता तो फिर आपको बताता हूँ। बाकी ये छोटे हैं, लेकिन हमने ये निकाल के 55,000 पुट्ठा मांग रहे हैं, हम पांचों का 2,00,000 लगाया, 1, 2, 3, 4, 5 करीबन 6-6, 7-7 महीने के बच्चे हैं ये खीरे मक्खी जी ने। चलो जी आगे चलते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है। अभी माल ना उस तरह का नहीं आ रहा, इधर भी वही हिसाब है, वरना इस टाइम पे ना ये मंडी सारी भर जाती है, इस टाइम पे मंडी भर जाती है, माल शाल कोई इतना ख़ास नहीं आ रहा। इधर भी जो आ रहा है उनके पैसे बहुत मांग रहे हैं, वरना इस टाइम पे ना इनकी ये पार्किंग सारी फुल होती है। अभी मुश्किल से 100 मोटरसाइकिलें नहीं लगी होंगी पार्किंग में। माल इस तरह का ये सारा काटू और दूसरा राखू, जो राखू है वो बहुत कम है, सारा माल मिक्स है। वीडियो तो मेरी बड़ी लंबी हो गई है, पर ना अभी तो दो बकरे हैं, वो मैंने दिखाए नहीं थे आपको, वो भी आप दिखाता हूँ, साथ मंडी भी देखें खाली और बातें भी सुनती सुनते जाएं।
उन बकरों का एक एक 90 लगाया जी, जोड़ी का लगाया है कि 90 ना, वो 2.5 लाख रुपये मांग रहा है। मैं वो बकरे भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने कहा था कि सौदा हो जाता तो फिर दिखाता आपको, लेकिन बहरहाल दोबारा फिर उनके पास जा रहे हैं। 2 लाख तक बकरे आपको दिखाता हूँ, ये देसी छतरे हैं जी, ये कम पैसों में मिले थे, लोग ले लेके यहाँ पे ना बांध देते हैं। पहले इस साइड पे ना बड़ा जानवर होता था, उन्होंने बड़ा जानवर आगे कर दिया। जो बकरों का हमने पैसे लगाए थे वो ये खड़े हैं दोनों, ये वाले बकरे इनका लगाया जी रेट, ये वाले दोनों चीनी, एक 4 दांत है एक 6 दांत है, वो वाला 4 दांत है, ये वाला 6 दांत है, इनके लगाए हैं पैसे 1.90। एक बकरा और दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ना मोस्टली इधर इस साइड पे काटू माल होता है, काटू माल में दूसरे दूसरे जानवर मिक्स कर देते हैं। बहरहाल जी ये सूरत हाल है, बाकी देखते हैं क्या मिलता है इधर, अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं लिया भाई, माल यहाँ पे भी इतना ख़ास नहीं आ रहा। एक बकरा ये लिया है और एक वो लिया, मैं दिखाता हूँ आपको, ये वही जोड़ी है जो इसका हम रेट लगा रहे थे। एक ये वाला लिया, ये मुँह से 4 दांत है, ये मुँह से 6 दांत है, एक ये वाला लिया और एक ये लिया। अभी उन बच्चों का सौदा हो रहा है, अभी उनका रेट नहीं हो रहा हमारे से, पैसे वो बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, हमने तो 40,000 रुपये लगा दिए, देखो कहाँ पे जाके बात बनती है। एक ये मुँह से 4 दांत है और मुँह से 6 दांत है भाई। दो बच्चे, दो बड़े बकरे ये आपने देख लिए हैं, ये और वो, और 5 वो भी जो मैंने आपको पहले दिखाए थे वो भी ले लिए हैं, 5 वो लिए हैं 42,000 के हिसाब से। ये जोड़ी ली है 171 की, और बड़ी बैस की है, 2-2.5 घंटे हम बैस के बाद जाके जानवर लिया। ये वाला सारा छोटा माल है भाई, आपको बकरे लेने छोटे भी अगर ने लेने हैं ना, मैं तो हमेशा मना करता हूँ, लेकिन जो हमने बड़े लिए ना बच्चे, वो तकरीबन 6-7 महीने के बच्चे हैं, और 42,000 पुट्ठा पड़ा हमें, वो ईद पे तैयार हो जाएंगे वो जानवर ना। अभी उस तरह का माल इधर भी नहीं आ रहा, ये चेक कर लें, वरना मदरसा मंडी में इतने दिन अच्छे जानवर आते हैं, लेकिन आपके सामने मैं सारा दिखा रहा हूँ आपको। बच्चे लेने हैं, बच्चे आपको एक से बढ़ के एक मिलेंगे, लेकिन बच्चों के रेट बहुत ज़्यादा है। अभी बड़े ले लेके भी पैसे लगाए हैं, उसको 90 भी लगा दिया तो नहीं बना सौदा। ये इस तरह का मिक्स माल आ रहा है, बकरियाँ बच्चे, आपको बकरियों के रेट लेके देता हूँ, उस तरफ जाते हैं। बाकी जो जानवर है ना वो यही हैं, क्योंकि हमने निकलना है, क्योंकि हमने जानवर ले लिए हैं, 2 बड़े लिए हैं और 5 उससे छोटे लिए हैं जो मैंने आपको पहले भी दिखाए थे, और 2 जानवर टोटल 5, 6, 7, 8, 9 जानवर लिए हैं टोटल। तो सुबह से हम आए हुए इधर, मैंने आपको सुबह की भी वीडियो बताई दिखाई थी कि किस टाइम मंडी में एंटर हुए हैं। छोटा माल है सारा वजन, बच्चे लेने हैं तो आपको 25,000 से 30,000 रुपये का बच्चा मिलेगा, 2 से 2.5 महीने का। अगर आप थोड़ा सा बड़ा लेने तो 4-5 महीने का, वो 45,000 तक बात चली जाएगी। अब जैसे कि ये बाबे ने 2 जानवर पकड़े हैं ना, इतने ख़ास नहीं है, लेकिन इनके पैसे पूछो। बाबू जी कितने पैसे जोड़ी दे, कितने पैसे? 55,000 रुपया, 22,000 का मिलना है कि किसी को 55,000 मांग रहे हैं दोनों का, ये चेक कर लें, ये तकरीबन आपको 40 से 42,000 की जोड़ी मिल जाएगी, ये किसी ने लेनी हो तो। अब सारे बंदे अभी जो हमने बकरे लिए हैं उनके उन पे आ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं बेचने हैं बेचने हैं, हमने तो भाई लेके निकल जाना है। ये हैं 2 वो हैं, 1 बड़ा वो है और 5 ये वाले, ये वाले अभी आपको वहाँ से भी ये भी जानवर दिखाता हूँ, इनके पैसे पूछते हैं, ये भी खीरे हैं। बोस जी कितने पैसे हैं इस बच्चे के? ये वाले थे कितने पैसे? 60 थे अगली जोड़ी, 50,000 के वो और 60,000 इस वाले जानवर के। इन बच्चों के सारे मैंने पैसे बता दिए हैं, इसके भी बता दिए हैं, इसके भी बता दिए हैं। वो जी क्या बाकी वो बड़े बकरे हैं वो वाले, उनके मैंने आपको रेट लेके दिया है उनका। इस साइड पे सारी बकरियां होती हैं, तो बकरियों के भाई पैसे बहुत मांगते हैं, 70,000, 80,000, 1,00,000, 1,10,000, 1,20,000, इस तरह के इनका रेट है। ये सारी सूरत हाल है जी इस मंडी की भी। मैंने वीडियो तो बनाई है, लेकिन ना मुझे कसम से यकीन करें मज़ा नहीं आया, पर हमने बकरे लेने थे, हमने बकरे ले लिए हैं,
अहमदपुर शरकिया मंडी करेंगे, जुम्मे वाले दिन लगती है अगले हफ्ते इंशाल्लाह। यहाँ से 50 किलोमीटर आ गया मंडी, वो तो वहाँ से लेके आएंगे बड़े बकरे, तकरीबन 4-5 बकरे बकरे और लेने हैं, तो वो अहमदपुर शरकिया से लेंगे। वो किसी का बछड़ा खुल गया जी उधर, वो निकल गया बछड़ा। ये सारी सूरत हाल है शाहपुर कायना मंडी की। बाकी इंशाल्लाह आगे मजीद वीडियोज़ आती रहेंगी, दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। यार इस मंडी में ना इतना खास माल नहीं है क्योंकि हमने निकलना भी है, तो मैं ज़्यादा देर रुक नहीं सकता इधर। अब बच्चों के लिए अगर आपने आना है तो मोस्ट वेलकम, यहाँ पे आओ, बच्चे ले लो, बड़े जानवर नहीं आने इधर इतने खास, बच्चे बहुत हैं इधर और उनका बच्चों का रेट बहुत ज़्यादा है, लोग लेते भी हैं। 40 से 45 हज़ार का आपको बड़ा अच्छा जानवर मिल जाएगा, लेकिन छोटा बच्चा 4 से 5 महीने का। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में जी, चेक करें जी बच्चे दोनों बड़े खूबसूरत हैं ये। वो जी कितने पैसे मांग रहे जोड़ी दे? 1.5 लाख रुपया जोड़ी का, 1.5 लाख मांग रहे हैं जी बच्चों की जोड़ी का। ये चेक करें माशाल्लाह खूबसूरत बच्चे हैं दोनों, मक्खी चीने, ये चेक करें 1.50, ये वाला और वो वाला कंबल झालर, चेक करें खूबसूरत बच्चे हैं दोनों। ये अरे 1.5 लाख आपने इनका देना है, 20 हज़ार और डालो देते हैं तो बड़े बड़े बकरे लो आप, उसमें फ़ायदा क्या, बच्चों में फ़ायदा, बच्चों में बहुत बड़ी मेहनत है भाई। खैर ये सूरत हाल है जी, इसके भी पैसे लगाए हैं, उसको 90 बोल दिया इसका, पर कोई नहीं बनता सोता, बहुत बड़ा बकरा है ये, तकरीबन 45 हाइट है इसकी। ये भी खूबसूरत बकरा जी। बोल जी कितने पैसे हैं इसके, पैसे कितने हैं? 1.30 मुँह से क्या है, 6 दांत है जी, 1.30 मांग रहे हैं इसका, 1.30 इसकी डिमांड है चीना, 6 दांत है मुँह से। ये चेक करें जी।